हेलो वेलकम गाइस, आज हम अप स्टॉक्स के चार्जेस के बारे में बताएंगे कि अप स्टॉक में ब्रोकरेज चार्ज, एसटीटी चार्ज, सीटीटी चार्ज, डीमैट ट्रांजैक्शन और सेबी चार्ज, स्टाम्प चार्ज, सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से चार्ज लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि अप स्टॉक्स में अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज देना नहीं होता, लेकिन डीमैट एएमसी जो चार्ज होता है वो ₹150 सालाना देना होता है। अब हम ज़्यादातर बताएंगे जो इक्विटी डिलीवरी है अप स्टॉक्स में कि उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज को देखा जाए तो ब्रोकरेज चार्ज ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से इक्विटी डिलीवरी में लिया जाता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से कि 2.5 जोन सा कम होता है वो कंपनी अप स्टॉक्स लेती है, चाहे ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 2.5 के हिसाब से, जोन सा बेटर होता है कंपनी को लगता है, जो कम लगता है, जो क्लाइंट होता है उसको ज़्यादा ज़्यादा महसूस ना हो चार्ज देना, तो जोन सा कम होता है आगे तो ₹20 पर ऑर्डर या फिर 2.5 जो जोन सा कम होता है वो इस चार्ज कंपनी लेती है। अब तो हम ब्रोकरेज चार्ज बताया, आप बताएंगे एसटीटी चार्ज। एसटीटी चार्ज 0.1% के हिसाब से हम जब बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं दोनों तरफ से हमें देना होता है। और ट्रांजेक्शन चार्ज को देखा जाए तो एनएसी में ₹345 पर करोड़ के हिसाब से या फिर 0.00345% के हिसाब से देना होता है, और एनएसई में इसमें ₹300 पर करोड़ के हिसाब से या फिर 0.00353% के हिसाब से देना होता है। अगर हम डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज है जो वो 18.5% सेल साइड पर लगता है, और जीएसटी तो सभी में सेम होती है, 18% जीएसटी अप स्टॉक्स में है और सभी में ही 18% जीएसटी लगती है। अब देखते हैं सेबी चार्ज कितना लगता है। सेबी चार्ज बहुत ही कम है, 0.0001% के हिसाब से या फिर कहें कि 1 करोड़ पर ₹10 लगते हैं। ये था सेबी चार्ज। और स्टाम्प चार्ज को देखें तो स्टाम्प चार्ज भी बहुत कम है, 0.0015% के हिसाब से जो चार्ज इसका स्टाम्प चार्ज है इक्विटी डिलीवरी में वो लिया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ से कहें तो इसमें जो स्टाम्प चार्ज है वो 1 करोड़ पर ₹1500 देने होते हैं। ये थी अब स्टॉक डिलीवरी इक्विटी डिलीवरी में जो चार्ज लगता है। अगर आपको और किसी प्रकार जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए बहुत ही जल्द देंगे। थैंक यू।